Good morning, children. How are you? I hope you all are fit, fine and healthy. बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका हूँ, मिसेस अंजलि मार्शल. इससे पहले आपने हिंदी के अंतर्गत क्या पढ़ा और क्या सीखा था? हिंदी के अंतर्गत आपने व्याकरण के पाठ 3 संज्ञा का अध्ययन किया था और उसके अंतर्गत हमने देखा था कि संज्ञा की परिभाषा क्या है और संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं. मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था. आशा करती हूँ कि आप सभी ने अपना वर्क भी कंप्लीट किया होगा और साथ में होमवर्क भी किया होगा. चलिए अब हम चलते हैं आज के पाठ की ओर. आज का आपका नया पाठ है पाठ 4 लिंग. आज हम इस पाठ के अंतर्गत देखते हैं कि क्या दिया गया है. ये है आपका पाठ चार लिंग. दिए गए चित्रों को देखिए एवं उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और समझिए. वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए. यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके बारे में नीचे कुछ लिखा हुआ है. आपको जो रंगीन शब्द लिखा हुआ है उस पे ध्यान देना है कि ये क्या लिखा हुआ है. सबसे पहला है एक लड़का बना हुआ है. वो क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है, पढ़ रहा है. लड़का पढ़ रहा है. फिर इसमें लड़की है जो कि क्या कर रही है? एक लड़की है जो इसमें एक लड़की है जो गाना गाती है. एक लड़का है जो नहा रहा है. राहुल नहा रहा है. फिर पहले चित्र में हमने क्या देखा? लड़का पढ़ रहा है. दूसरे चित्र में लड़की गाना गाती है. तीसरे चित्र में राहुल नहाता है. और यहाँ लिखा हुआ है सोहन पत्र लिख रहा है. पिताजी दफ्तर जा रहे हैं. माताजी खाना पकाती हैं. यहाँ पे किसके बारे में कहा गया है? सोहन. सोहन पत्र लिख रहा है. पिताजी दफ्तर जा रहे हैं. माताजी खाना पका रही हैं. फिर यहाँ पे दादाजी का चित्र है. दादाजी क्या करते हैं? दादाजी अखबार पढ़ते हैं. दादाजी क्या कर रहे हैं? दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं. यहाँ दादी जी पूजा कर रही हैं. रमेश टेलीविज़न देख रहा है. रमेश क्या कर रहा है? टेलीविज़न देख रहा है. इन सारे चित्रों में हमको ये ध्यान देना है कि जो कलरफुल शब्द लिखा हुआ है वो किसके बारे में है. यहाँ क्या है? लड़का पढ़ रहा है, मतलब किसके बारे में कहा गया है? लड़के के बारे में. और फिर ये लड़की गाना गाती है, यहाँ किसके बारे में कहा गया है? लड़की के बारे में. राहुल नहाता है, किसके बारे में? राहुल के बारे में कहा गया है. सोहन पत्र लिखता है, यहाँ किसके बारे में कहा जा रहा है? सोहन के बारे में. पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, तो किसके बारे में है? पिताजी के बारे में. माताजी खाना पकाती हैं, माताजी के बारे में बोला जा रहा है. फिर ये है दादाजी. दादाजी के बारे में क्या बोल रहे हैं? कि ये अखबार पढ़ रहे हैं. माताजी, दादी जी पूजा कर रही हैं और रमेश टेलीविज़न देख रहा है. इन सब चित्रों में हमने देखा कि जो कार्य कर रहे हैं उनकी मुख्य भूमिका है. जैसे लड़का लिख रहा है, लड़का पढ़ रहा है, लड़की गाना गा रही है, पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, माताजी खाना पका रही हैं, दादी जी मंदिर में पूजा कर रही हैं, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, रमेश टेलीविज़न देख रहा है. अब आगे देखते हैं. ये है आपके, अब आगे देखते हैं. आपने देखा कि इन वाक्यों में लड़का, राहुल, सोहन, पिताजी, दादी जी, दादाजी, रमेश शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का पता चलता है तथा लड़की, माताजी और दादीजी शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है. यहाँ पर जैसे रमेश के बारे में बोला, सोहन के बारे में बोला, राहुल के बारे में बोला, पिताजी के बारे में बोला, दादाजी के बारे में, तो ये सब क्या है? पुरुष हैं. ये सब क्या है? पुरुष हैं. और लड़की के बारे में, माताजी के बारे में, दादी के बारे में बोला, तो ये सब कौन है? स्त्री हैं. शब्द के जिस रूप से उनके पुरुष जाति का या फिर स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं. जैसे ये शब्द थे, तो इन शब्दों में जैसे
पुरुष का नाम था, जो भी कोई पुरुष थे, जैसे कि रमेश था, राहुल था, सोहन था, दादाजी थे, पिताजी थे, ये सब कौन है? पुरुष हैं। और इससे हमें क्या पता चलेगा? ये पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं। और जहाँ पर लड़की, माताजी, दादी, इनके बारे में कहा गया है, तो ये कौन सी जाति के अंतर्गत आते हैं? ये स्त्री जाति के अंतर्गत आते हैं। लिंग के भेद, लिंग के भेद, लिंग दो प्रकार की होती है। लिंग कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पुरलिंग, पुरलिंग के अंतर्गत पुरुष वर्ग के लोग आते हैं, और स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के अंतर्गत स्त्री जाति के लोग आते हैं। मतलब पुरलिंग के अंतर्गत सारे पुरुष आएंगे और स्त्रीलिंग के अंतर्गत सारी स्त्रियां आएंगी। आप सभी को समझ में आया? लिंग के दो भेद होते हैं, पुरलिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के कितने भेद होते हैं? दो, पुरलिंग और स्त्रीलिंग। पुरलिंग के अंतर्गत सारे पुरुष आते हैं और स्त्रीलिंग के अंतर्गत सारी स्त्रियां आती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया गया है, पुरलिंग। पुरलिंग शब्द से पुरुष जाति का पता चलता है, जैसे लड़का, शेर, मुर्गा, घोड़ा आदि। पुरलिंग से क्या होता है? पुरुष जाति का पता चलता है, जैसे लड़का, शेर, मुर्गा, घोड़ा आदि। स्त्रीलिंग से, स्त्रीलिंग शब्द से स्त्री जाति का पता चलता है, जैसे लड़की, शेरनी, मुर्गी, घोड़ी आदि। समझ में आया आपको? लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं, पुरलिंग और स्त्रीलिंग। पुरलिंग में पुरुष जाति के लोग आते हैं और स्त्रीलिंग में स्त्री जाति के लोग आते हैं। निम्नलिखित पुरलिंग व स्त्रीलिंग शब्दों को समझिए और याद कीजिए। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं स्त्रीलिंग के और पुरलिंग के। अब हम उनको पढ़ के देखते हैं कि पुरलिंग में कौन सा शब्द आ रहा है और स्त्रीलिंग में कौन सा शब्द आ रहा है। जैसे ये पहले नंबर पे सारे आपके पुरलिंग लिखे गए हैं, दूसरे नंबर पे आपके स्त्रीलिंग लिखे हुए हैं। पुरलिंग के अंतर्गत आएगा लड़का, स्त्रीलिंग में लड़की, मामा, मामी, मौसा, मौसी, बेटा, बेटी, कबूतर, कबूतरी, बकरा, बकरी, घोड़ा, घोड़ी, मुर्गा, मुर्गी, चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चिड़ी, चिड़ा, चिड़िया। समझ में आया? पुरलिंग में जो पहले नंबर पे आपका लिखा हुआ है वो पुरलिंग है, मतलब उससे पुरुष जाति का बोध होता है, और दूसरे नंबर पे जो लिखा है वो है स्त्रीलिंग, उसके अंतर्गत स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे लड़का, लड़की, मामा, मामी, मौसा, मौसी, बेटा, बेटी, कबूतर, कबूतरी, बकरा, बकरी, घोड़ा, घोड़ी, मुर्गा, मुर्गी, चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चिड़ा, चिड़िया, नौकर, नौकरानी, दुल्हा, दुल्हन, बैल, गाय, भाई, बहन, राजा, रानी, आदमी, औरत। समझ में आया सभी को? पुरलिंग के अंतर्गत कौन से शब्द आए और स्त्रीलिंग के अंतर्गत कौन से शब्द आए। स्मरण योग्य बिंदु, मतलब स्मरण योग्य बिंदु, याद रखने वाली बात। इस पाठ के अंतर्गत ये बिंदु हैं, मतलब ये चीज़ें हैं, इन्हें आपको हमेशा याद रखना है तो आप लिंग के बारे में अच्छी तरह से जान पाएंगे। लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुरलिंग और स्त्रीलिंग। पुरलिंग और स्त्रीलिंग। पुरलिंग शब्द से पुरुष जाति का पता चलता है। पुरलिंग शब्द से कौन सी जाति का पता चलता है? पुरुष जाति का। और स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का पता चलता है। स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का पता चलता है कि ये स्त्री है, और पुरलिंग से पुरुष जाति का पता चलता है कि ये पुरुष। अब आपके पाठ के अंतर्गत कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। अब हम देखेंगे किस प्रश्न का क्या उत्तर है। आपकी पुस्तक में ये प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दिए गए हैं, परंतु आपको इन्हें अपनी हिंदी की कॉपी में व्याकरण पाठ 4 लिंग डालकर इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है हिंदी की कॉपी में। चलिए अब हम देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। लिंग के कौन कौन से भेद हैं?
लिंग के कौन कौन से भेद हैं? अभी हमने पढ़ा लिंग के दो भेद हैं, पुरलिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के दो भेद हैं, पुरलिंग और स्त्रीलिंग। पुरलिंग शब्दों के चार उदाहरण दीजिए। पुरलिंग शब्दों में कौन कौन से नाम आते हैं, उनके दो उनके चार उदाहरण देना है। जैसे लड़का, धोबी, नौकर, राजा, इनसे पुरुष जाति का बोध हो रहा है, मतलब इसको पढ़कर या समझकर पता चल रहा है ना कि ये पुरुष हैं, तो ये पुरलिंग के अंतर्गत आएंगे। फिर है स्त्रीलिंग शब्दों के चार उदाहरण दीजिए। स्त्रीलिंग से स्त्री होने का बोध होता है, जैसे कि औरत, बहन, गायिका और रानी। एक बार फिर हम देखते हैं कि किस प्रश्न के लिए हमने कौन सा उत्तर लिखा। लिंग के कौन कौन से भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं, पुरलिंग और स्त्रीलिंग। पुरलिंग शब्दों के चार चार उदाहरण दीजिए। लड़का, धोबी, नौकर, राजा। स्त्रीलिंग शब्दों के चार उदाहरण दीजिए। औरत, बहन, गायिका और रानी। फिर ये है आपके फिर ये आपके पाठ के अंतर्गत दूसरे नंबर का प्रश्न है। इसमें हम देखते हैं दिए गए शब्दों को उनके विपरीत लिंग वाले शब्दों से मिलाएं। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको उनके विपरीत लिंग वाले मतलब उससे अलग लिंग वाले शब्दों से मिलाना है। जैसे चाचा, चाचा, चाची, शेर, शेरनी, लड़की, लड़का, गुड्डा, गुड़िया, मोर, मोरनी। फिर से देखते हैं हमने किसको किससे मिलाया। इधर पे लिखा था का नंबर पे चाचा, तो हमने यहाँ दूसरे नंबर पे चाची से मिला दिया। फिर खा नंबर पे लिखा था शेर, इसे हमने चौथे नंबर पे शेरनी से मिला दिया। फिर लिखा था लड़की, लड़की को हमने पहले नंबर पे लड़के से मिला दिया। फिर था घा नंबर गुड्डा, गुड्डे को हमने पांचवें नंबर से गुड़िया से मिला दिया। फिर था मोर, मोर को हमने तीसरे नंबर पे मोरनी से मिला दिया। आपको समझ में आया किस शब्द को हमने किससे मिलाया? आप अपनी पुस्तक में करके देखेंगे कि आपसे ये बन रहा है या नहीं बन रहा, और इसे सीखेंगे कि इसे किस प्रकार किया जाता है। बहुविकल्पीय प्रश्न, लिंग परिवर्तन के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बहुविकल्पीय प्रश्न का मतलब होता है एक प्रश्न है, उसके दो या तीन उत्तर होते हैं, उनमें से सही उत्तर चुनकर आपको सही का निशान लगाना है। पहला नंबर है घोड़ा, घोड़ा का विपरीत रूप क्या होगा? घोड़ी। गा नंबर पे सही का निशान लगा दीजिए। बहन का विपरीत रूप क्या होगा? भाई। खा नंबर पे सही का निशान लगा दीजिए। नौकर का विपरीत होगा नौकरानी, नौकरानी पे सही का निशान लगा दीजिए। फिर है गायक, गायक का परिवर्तित रूप कौन सा है? गायिका। ग नंबर पे सही का निशान लगा दीजिए। चलिए एक बार फिर हम देखते हैं हमने किस शब्द के लिए कौन से उत्तर को चुना। घोड़ा, इसका परिवर्तित रूप है घोड़ी, ग नंबर पे सही का निशान लगाया। बहन, बहन का परिवर्तित रूप है भाई, खा नंबर पे सही का निशान लगाया। नौकर, नौकर का परिवर्तित रूप है नौकरानी, हमने क नंबर पे सही का निशान लगाया। फिर है गायक, गायक का परिवर्तित रूप है गायिका, हमने ग नंबर पे सही का निशान। चलिए अब आगे देखते हैं। ये है आपका इस पाठ के अंतर्गत कुछ होमवर्क, जिसे आपको घर पर रहकर कंप्लीट करना है। पहला है पाठ में दिए गए उदाहरणों को समझो और याद करो। पाठ के अंतर्गत जितने भी उदाहरण थे पुरलिंग के और स्त्रीलिंग के, उन्हें आपको समझना है और याद करना है। दूसरा है आपका प्रश्न नंबर 3, जो कि आपकी पुस्तक में दिया हुआ है प्रश्न नंबर 3, और रचनात्मक गतिविधियाँ, जो आपकी इस पाठ के सबसे लास्ट में दी गई है। रचनात्मक गतिविधियाँ अपनी पुस्तक में करो, इसे आपको अपनी पुस्तक में करना है। आज हमने किस किस पाठ का अध्ययन किया? आज के पाठ में हमने क्या क्या सीखा? आज के पाठ में आपने लिंग के बारे में सीखा कि लिंग के कितने भेद होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुरलिंग। स्त्रीलिंग के अंतर्गत स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्द आते हैं, और पुरलिंग के अंतर्गत पुरुष जाति का बोध, यानी जिससे हमें पता चलता है कि ये पुरुष है, वो सारे शब्द पुरलिंग के अंतर्गत आते हैं। आपको समझ में आया? आज हमने
जो कुछ भी पढ़ा आप उसका घर पर पुनः अभ्यास करेंगे तो आपको अच्छी तरह से ये पार्ट और समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, रोज़ का वर्क रोज़ कीजिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए। थैंक यू।